नमस्ते। बतिया दोहरावत के सभी सुनने वालों का आज फिर एक बार हार्दिक स्वागत। मुझे बहुत खुशी है कि हम आज से एक नई श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है राग की तस्वीर। इसमें मैं ये कोशिश करूंगी कि आम तौर से जो राग हमें शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों के मंच पर सुनने को मिलते हैं उनकी मैं अपने खुद के नज़रिए से एक तस्वीर बनाऊं और जिसका वर्णन एक शब्द चित्र या व्यक्ति चित्र के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। अब राग के शब्द चित्र या व्यक्ति चित्र इस संकल्पना तक पहुंचने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि राग की संकल्पना क्या होती है। आमतौर से शास्त्रीय संगीत सीखने वाला हर व्यक्ति अपनी पहली ही क्लास में राग इस शब्द को सुनता है और फिर इस संकल्पना से उसका साथ छुड़ाए नहीं छूटता। क्या है ये राग? कुछ मर्यादित सुरों के चयन से बनी एक कर्णमधुर स्वरावली, किन्हीं नियमों से बद्ध संगीत रचना, कोई एक स्केल, आरोह अवरोह वादी संवादी अनुवादी विवादी वगैरह, कुछ बंदिशें, बढ़त उपज या जिसे अंग्रेजी में हम इम्प्रोवाइजेशन कहेंगे वो, कोई विशिष्ट मूड या भाव, कुछ चुने हुए स्वरों की मनभावन रचना की सहायता से बनाया गया या बन गया माहौल, शायद ऊपर वाले सब मुद्दे और भी बहुत कुछ। ऊपर उल्लेखित सभी चीज़ें आवश्यक तो हैं परंतु पर्याप्त नहीं। राग की टेक्स्ट बुक वाली व्याख्या है रंजयति इति रागः, राग वो जो रंजन करे। काहे का रंजन? कानों को तो मधुर सुनाई दे, बुद्धि को समझ पड़े, मन को रिझाए, अपने आप के मन को और इतरे जनों के मन को भी, और सबसे अहम आत्मा का रंजन करे। इसका मतलब है कि सुरीलापन, मिठास, रचना सौंदर्य, प्रमाणबद्धता, कल्पना विस्तार और भाव विस्तार, इन सभी के साथ साथ ज़रूरी है कि राग आविष्करण के माध्यम से राग के जीवंत अस्तित्व की अनुभूति प्राप्त हो, उस जीवंत अस्तित्व से हम मिले, हाथ मिलाए, उसे गले लगाए, उसकी कहानी हम सुने, अपनी कहानी उसे सुनाए, दोनों मिलकर हंसे रोए जैसे दो दोस्त। अब इस बात का पता हमें कैसे चले कि आज राग से मुलाकात हो गई? आम तौर पर कई कलाकारों का गायन सुनने के पश्चात हम प्रभावित हो उठते हैं कि वाह क्या तैयारी वाला गाना, क्या आवाज़ की रेंज, क्या सफाई वाली तान, क्या सरगम। लेकिन किसी दिन किसी कलाकार का गायन सुनने के बाद ऐसा महसूस हो कि बस अब कोई कुछ बात न करे, कुछ देर खामोशी का अनुभव करे, या फिर ऐसा प्रतीत हो कि पूरे हॉल में उसी राग की छत छा गई हो, या फिर मन करे कि ये राग चलता ही रहे, ख़त्म ही ना हो, या फिर बहुत कुछ सुनने के बाद एक ही राग का असर ऐसा जम जाए कि तीन तीन दिन तक मन में वो ही गूंजता रहे। यही सबूत है कि आज हम राग से मिलकर आए। मिलकर आए? कैसा दिखाई दिया राग? कैसी थी उसकी छवि? कौन था वो, पुरुष या स्त्री?
कद कैसा था, लंबा या नाटा, रंग कैसा था, गोरा कि सांवला, चेहरे पर मुस्कान थी या फिर आंखों में दर्द था, अगर खुशी थी तो क्या था उसकी खुशी का कारण, और अगर आंख भर आई थी तो क्यों था वो दुखी। रुकिए, इन सब सवालों के जवाब ढूंढने से पहले हम ये जान ले कि राग किसी भी सगुण रूप में अटका हुआ नहीं होता, वो तो है निर्गुण निराकार, और फिर भी वो हमें छू सकता है, खुद के अस्तित्व की अनुभूति दे सकता है। हमें ये अक्सर बताया जाता है कि ईश्वर भी है निर्गुण निराकार, जिसका कोई रूप रंग या आकृति नहीं होती, परंतु इसी कारणवश हम सामान्य भाविक के लिए ईश्वर की आराधना बहुत कठिन साबित होती है। इसीलिए हम अपनी सहूलियत के लिए ईश्वर को कई रूपों में बांध देते हैं। किसी किसी को वह मानवी शरीर के ऊपर हाथी का मस्तक धारण करने वाले गणेश जी समान दिखाई देता है, तो किसी और को शरीर पर भस्म के पट्टे ओढ़कर, गले में नाग की माला पहनकर, कैलाश पर्वत की चोटी पर ध्यान में मगन बैठे शंकर भगवान की तरह भासमान होता है। ईश्वर के नाना रूप हम भक्तों ने उसे दिए अपनी सहूलियत के लिए। हमें उसके कोई रूप पर ध्यान धरना आसान हो इस खातिर। ठीक इसी तरह हम एक एक राग की तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि हमें उस राग के समीप जाने के लिए, उसकी तबीयत पहचानने के लिए, अपने आप को उसके साथ जोड़ देने के लिए सुविधा हो। इसलिए याद रहे, कोई भी राग अपनी तस्वीर में बंधा हुआ नहीं है। ये राग की मांग नहीं है, हमारी सुनने वालों की, गाने वालों की सुविधा के खातिर किया गया प्रयास है। राग की असलियत इससे कहीं अधिक बढ़कर है, और जो तस्वीर मैं आज आपके सामने चित्रित कर रही हूँ वो भी समय समय पर बदल सकती है, सुनने वाले व्यक्ति की संवेदना के अनुसार भी बदल सकती है। आखिर राग भी एक स्वतंत्र जीवंत व्यक्तित्व होता है, और समय समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार आविष्कृत होता रहता है। जैसे मैं एक ही व्यक्ति हूँ, मेरा व्यक्तित्व भी कुछ उम्मीद के मुताबिक प्रेडिक्टेबल है, परंतु मेरा बर्ताव समय और परिस्थिति के हालात के अनुसार बदल सकता है। ठीक इसी तरह राग भी अलग अलग समय पर विभिन्न रूप से आविष्कृत होता रहता है। एक और बात याद कीजिए, जब कुरुक्षेत्र में जंग के मैदान पर खड़े अर्जुन को श्री कृष्ण परमात्मा ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, और फिर अर्जुन को ये बात मान लेनी पड़ी थी कि युद्ध में उसके हाथों मरने वाला हर कोई उसी परमात्मा की लीला का परिणाम है, मारने वाला खुद अर्जुन नहीं है। ठीक इसी प्रकार एक कलाकार होते हुए मुझे भी ये समझ लेना चाहिए कि राग की तस्वीर को रंग रूप आकृति इत्यादि प्रदान करने वाली मैं नहीं, बल्कि स्वयं राग ही अपने अस्तित्व का प्रमाण देगा, अपना रूप साकार करेगा, अपना मूड बनाएगा, और अगर उसकी मर्जी हुई तो मेरे माध्यम से प्रकट होगा। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं राग की इस प्रकटीकरण के लिए खुद को माध्यम के रूप में योजित करूं। राग मेरे हाथ की कठपुतली नहीं कि जैसा चाहूं उसे नाचना चाहूं। राग नाटक का कोई किरदार भी नहीं जो नाटककार के लिखे हुए डायलॉग्स बोले तथा वैसा अभिनय करे। राग अपने आप में स्वतंत्र, स्वयं प्रज्ञ, जीवंत अस्तित्व है,
और कलाकार के अहम से बहुत ऊपर है। इसका स्थान पवित्र, विशुद्ध और विराट है। हाथी और सात आंध्रे। इस कहानी में वर्णित सात आंध्रों में से एक मैं हूँ। राग का जितना स्वरूप मुझे दिखे, मेरी कलाकारी उसी तक सीमित है। आइए, इस अवधारणा के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ राग के सगुण साकार स्वरूप दर्शन के लिए। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि अंततः हमें, आपको और मुझे भी, इस सगुण साकार स्वरूप से परे राग के निर्गुण निराकार दर्शन की ही आस रखनी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।